फॉरेंसिक फाइल्स। कार हाईवे पर थी, कार रफ्तार में थी और अचानक एक हादसा हो गया। इस कार क्रैश में यूपी के एक चर्चित बाहुबली नेता की पत्नी की मौत हो गई थी। मौत की तस्वीर सामने थी, लेकिन ये मामला एक्सीडेंटल डेथ का नहीं, बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। मैं इस वक्त एक गैराज में खड़ा हूं, क्योंकि आज की कहानी का एक अहम किरदार एक कार है, वो कार जिसमें एक बाहुबली नेता की बहू की मौत हो गई। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पहले आइए देखते हैं इस कार हादसे की कहानी। हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियों के हादसे की खबरें सामने आती हैं, लेकिन यूपी के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर जिस कार एक्सीडेंट की सूचना पुलिस के पास पहुंची, वो मामूली नहीं थी। इस हादसे की चपेट में यूपी के एक बाहुबली नेता का परिवार आया था। एक्सीडेंट हो गया, कहां पर? एक्सीडेंट की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां हादसे की चपेट में आई कार खड़ी थी। कार में सवार लोग अस्पताल जा चुके थे। एक्सीडेंट साइट पर जो कुछ भी है सब कुछ सील कर दो, आप थोड़ा पीछे रहिए। चलिए, थोड़ा थोड़ा पीछे चलिए। हादसे के बाद कार में अचेत पड़ी महिला को उसका पति पास के ही एक हॉस्पिटल में ले गया था। एक्सीडेंट हो गया। बदहवास हालत में दिख रहा महिला का पति घर वालों को एक्सीडेंट की जानकारी दे रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही एक और बुरी खबर मिली। डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट में महिला की मौत हो चुकी है। सब कुछ चंद घंटों में हुआ। पुलिस मामले की जांच करने की तैयारी में जुट गई, ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस ने उस शख्स को थाने बुलाया जिसकी पत्नी की हादसे में मौत हुई थी। आपकी कार थी जी। और कौन कौन था कार में? मेरे साथ मेरी पत्नी थी, घायल अवस्था में थी, अस्पताल ले गए उसे, पर डॉक्टर बचा ना पाए। क्या? जी हाँ, मौत हो गई उसकी। अमन पत्नी के साथ एक लंबे सफर पर निकला था। आज तो बड़ी खुश लग रही हूँ। सीरियसली अमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ बेहद खुश नजर आ रहे थे। जी हम अपनी पत्नी के साथ निकले थे लखनऊ से ले बाय रोड, और गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर। इतना लंबा सफर वो भी कार से? जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? बस हम लोग निकले ही थे लखनऊ से आगे, और मैंने जर्नी के लिए स्विफ्ट डिजायर एक कार परिचित से ले ली थी, और मैं सुबह करीब 7-8 बजे के बीच लखनऊ से निकला। करीब 11:30 बजे हम कानपुर देहात इलाके तक पहुंच गए थे, और वहां से हमारे साले साहब को भी कॉल किया था मैंने। शक लिया भाई, पानी पियेंगे? अरे तुम्हारे भाई को तो बताना भूल गए कि हम निकल चुके हैं, ताकि वो भी निश्चित हो जाए ना। लगाए फोन। हाँ हेलो भैया, क्या हाल चाल? बस हम लोग निकल चुके हैं और कानपुर पहुंचने वाले हैं, लीजिए बात कीजिए। हेलो भैया। यस भैया, वी आर फाइन। अरे हाँ भैया, कोई परेशानी क्यों होगी, ये है ना साथ में। ओके भैया। सब कुछ नॉर्मल था, हम सिरसागंज NH2 पर खड़े थे, गाड़ी भी ठीक ठाक चल रही थी। ठीक उसी दौरान अचानक एक बच्ची साइकिल से बीच सड़क पर आ गई, और फिर एक्सीडेंट में वाइफ को बहुत चोट लगी थी। मैंने वो कुछ लोगों की मदद से वाइफ को कार से बाहर निकाला। एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मौत हो गई और आपको खरोंच तक नहीं आई, कमाल है। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हादसे में किसी की भी जान जा सकती है,
लेकिन जिस हादसे की कहानी यहाँ सुनाई जा रही थी उस हादसे में कई सवाल थे, कई पेंच थे। कार की हालत देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि हादसा कैसे हुआ। ये बात हैरान करने वाली थी कि हादसे में एक की मौत हो गई जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को खरोंच तक नहीं आई। जांचकर्ता ये जानने की कोशिश में थे कि आखिर किन हालात में कार हादसे की चपेट में आई, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने का इंपैक्ट क्या होगा, इसका सीधा संबंध गाड़ी की स्पीड से है। अमन ने घटना के वक्त गाड़ी की जो स्पीड बताई थी जांचकर्ताओं ने उसी रफ्तार पर कार का ब्रेक दबाया। ये देखा गया कि तय स्पीड पर ब्रेक लगाने पर गाड़ी किस तरफ जाती है, उसका फोर्स गाड़ी को किधर ले जाता है, इससे ऑब्स्टिकल की पोजीशन और गाड़ी की पोजीशन को समझा जाने लगा। अचानक ब्रेक लगने पर डैमेज कितना हुआ होगा, टारगेट बचेगा या हिट हो जाएगा, ये भी पता लगाया जाना था। ओके। हादसे के वक्त अमन ने ये बताया था कि कार की स्पीड अराउंड 120 से लेके 140 किलोमीटर पर आती। सर हमें ये भी पता करना होगा कि इस स्पीड पर कार कैसे पलट गई। चलो शुरू करते हैं। गाड़ी की स्पीड और ब्रेक टेस्ट हादसे की घटना पर कई सवाल खड़े कर रहे थे। टेस्ट के जो नतीजे सामने आए उनके मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार करीब 50 से 70 घंटा प्रति किलोमीटर रही होगी, लेकिन अमन ने बताया था कि वो 120 से 140 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। जांचकर्ताओं ने इसके बाद सड़क से टायर मार्क और रबर के पार्टिकल्स की खोज शुरू की। इसकी एक बड़ी वजह थी, तेज रफ्तार गाड़ी में जोरदार ब्रेक लगेगा तो गाड़ी का टायर रोड पर घिसटता जाएगा और टायर के पार्टिकल्स रोड पर जरूर मौजूद होंगे। जांचकर्ताओं ने टायर के ट्रेसेस को खोजना शुरू किया। सर, इट्स 20। लेकिन जिस जगह अमन ने गाड़ी स्केड होना बताया था वहां रबर के ट्रेसेस नहीं मिले। गाड़ी जहां मिली और गाड़ी को जहां फिसलना बताया गया वहां के हर टायर मार्क्स की जांच की गई, लेकिन जांचकर्ताओं को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो पाए कि गाड़ी तेज रफ्तार से आते हुए एक निश्चित दिशा में एक्सीडेंट कर गई और उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई। जांचकर्ताओं ने पुख्ता जांच के लिए टायर के लैब एनालिसिस का फैसला किया। एक्सीडेंट वाली कार के टायर को लैब ले जाया गया, टायर के मटेरियल लॉस का परीक्षण शुरू किया गया। ये देखा जाना था कि क्या वाकई इस टायर पर ब्रेक लगाया गया था या नहीं और क्या वाकई गाड़ी स्किड हुई थी या नहीं। जांचकर्ताओं को एक जगह पर भी मटेरियल लॉस के सबूत नहीं मिले, यानी गाड़ी का टायर इतनी फोर्स के साथ रोड पर स्किड नहीं हुआ। सर, इस टायर से कुछ भी मटेरियल लॉस नहीं है। सर, आप ये पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, दिस इज शोइंग कि इसमें कुछ मटेरियल लॉस हुआ ही नहीं। जब भी कोई टायर स्किड मारता है रोड पर तो उसके पार्टिकल्स उस टायर में अटक जाते हैं, बट जैसा कि हमने माइक्रोस्कोप में देखा है कोई पार्टिकल है ही नहीं। ड्राइवर का नेचुरल ब्रेक रिएक्शन मैच नहीं हुआ, टायर के ट्रेस मटेरियल नहीं मिले, गाड़ी की स्पीड और फोर्स मैच नहीं हुए। इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकालिए जिससे मैं थोड़ा सा और डीप स्टडी कर सकूं। ठीक है प्रिया, मैं निकाल के देती हूँ। कार की स्पीड, ब्रेक और क्रैश टेस्ट से कार एक्सीडेंट की बात साबित नहीं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कार की बॉडी पर हुए डैमेज को देखकर ये लग रहा था कि कार हादसे की चपेट में आई। आखिर कार कैसे और किन परिस्थितियों में डैमेज हुई, ये समझने के लिए जांचकर्ताओं ने अब कार में हुए डैमेज की एनालिसिस शुरू की। कार के बाहरी हिस्से में जिन जगहों पर टूट फूट और स्क्रैच के निशान थे, जांचकर्ताओं ने उन तमाम हिस्सों को जांचना परखना शुरू किया।
ये समझने की कोशिश की गई कि तेज रफ्तार कार हादसे में अगर पलट गई तो किन हिस्सों में डैमेज हो सकता है। गाड़ी की बॉडी पर फोर्स और उसके डायरेक्शन को नापा जाने लगा। आमतौर पर जब किसी कार का एक्सीडेंट होता है तो उसका एक हिस्सा ऐसा होता है जिस पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन इस कार के साथ अलग अलग जगहों पर डैमेजेस हैं और सबके फोर्स ऑफ डायरेक्शंस भी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर, गाड़ी एक साथ कई जगहों से बाहरी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए? एंड इन फैक्ट सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इसका फोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम नहीं है। इसका मतलब कार एक्सीडेंट की जो कहानी हमें सुनाई गई वो झूठी है, कार का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। राइट सर, लगता तो यही है। जांचकर्ताओं ने कार एक्सीडेंट की थ्योरी को सिरे से नकार दिया, लेकिन सवाल ये था कि अगर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो महिला की मौत कैसे हो गई? क्या ये मौत एक्सीडेंट से पहले हुई या फिर एक्सीडेंट के बाद हुई? अब ये पता लगाया जाना बाकी था। जांच में जुड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कार के अंदर बायोलॉजिकल ट्रेसेस की तलाश शुरू की। ये समझने की कोशिश हुई कि एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी पर शरीर का कौन सा हिस्सा कहां लगेगा और कहां कहां चोट आ सकती है। कार में जहां शीशा टकराएगा वहां शरीर के कुछ टिश्यूज जरूर मौजूद होंगे। गाड़ी की स्टेयरिंग, डैशबोर्ड, साइड के दरवाजे के आसपास हर उस जगह बॉडी टिश्यूज को खोजा गया जहां महिला के शरीर के टकराने की संभावना थी। जांचकर्ताओं ने कार के अंदर से कई सैंपल लिए और उन्हें लैब टेस्ट के लिए ले गए। कार के अंदर से लिए सैंपल की जांच के लिए लैब में उनकी कई स्लाइड तैयार की गई। गाड़ी में मिले कुछ खून के नमूनों की भी स्लाइड्स बनाई गई। इन सब की माइक्रोस्कोपिक जांच की गई। जांचकर्ताओं को ब्लड के अलावा महिला का कोई टिश्यू नहीं मिला। जांचकर्ता हैरान थे कि आखिर इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी के अंदर मृतक महिला का कोई टिश्यू क्यों नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। इस पेच को सुलझाने के लिए जांचकर्ताओं ने अब कार में बैठी महिला की बॉडी पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश शुरू की। जांचकर्ताओं ने एक पुतले को कार में उसी जगह बिठाया जहां महिला बैठी थी। पुतले के जरिए बॉडी के टकराने वाले हिस्सों की मार्किंग की गई ताकि संभावित चोट का पता लगाया जा सके। ड्राइविंग सीट पर महिला के पति अमन की जगह भी पुतले को बैठाया गया। इसके बाद फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से ये समझा गया कि दुर्घटना के दौरान ड्राइवर को कहां कहां चोट आ सकती है। ड्राइवर के हाथ और उसके मसल्स क्या इस फोर्स को रोकने में सक्षम थे, और अगर थे तो उसे शरीर के किन किन हिस्सों पर चोट आनी चाहिए। अमन ने बताया था कि ब्रेक लगने के बाद कार 2-3 बार पलटी। मगर सर, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसे भी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन उसे तो कोई इंजरी है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में बैठी औरत की कार एक्सीडेंट में चोट लगने से मौत हो, जबकि ड्राइविंग कर रहे उसके पति को चोट नहीं लगी? जांचकर्ताओं को सीन ऑफ क्राइम पर इस बात के सबूत मिले कि किसी भी परिस्थिति में अमन को कुछ चोटें जरूर आनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। गाड़ी के पलटने के बाद भी ड्राइविंग कर रहे अमन को एक खरोंच तक नहीं आई और उसके बगल में बैठी पत्नी की मौत हो गई। आखिर ये कैसे हुआ? मार्किंग के बाद महिला के पुतले को लैब में लाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी चोटों का मिलान करवाया गया। हादसे के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट दी है कि एक्सीडेंट के बाद महिला की चीक बोन और उसके लेफ्ट फोरआर्म में एल्बो के ठीक ऊपर चोट आई है, ये देखिए। लेकिन सर, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक महिला की बॉडी के इन खास हिस्सों में बहुत ज्यादा चोट आई होगी, जैसे कि फोरहेड, चीक बोन्स, रिब्स। मतलब गला दबा जाने की वजह से उसके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, इसकी वजह से उसके लंग्स कोलैप्स हो गए और उसकी डेथ हो गई। एक्सीडेंट के बाद महिला की बॉडी पर पाई गई जिन चोटों की बात की गई थी वे गलत निकली। महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही नहीं पाया गया। जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि अमन की पत्नी की मौत हादसे से नहीं हुई,
बल्कि उसकी हत्या की गई। उसे गला घोंटकर मारा गया। सीबीआई के मुताबिक अमन ने अपनी पत्नी की हत्या खुद की और इस हत्या के आरोप से बचने के लिए उसने एक कॉन्स्पिरेसी रची। इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उसने एक्सीडेंट का ड्रामा किया। लेकिन आखिर उसका मोटिव क्या था, ये समझने के लिए जांच अधिकारी अब एक नई कवायद करने वाले थे। अमन ने लव मैरिज की थी, लेकिन इस शादी की बात को वो सोसाइटी से छुपा कर रखना चाहता था। अपनी वाइफ को वो सीक्रेट की तरह रखना चाहता था। ये बात उसकी वाइफ की माँ ने बयान में दर्ज करवाई है। अमन की जो बीवी थी वो इस बात से बेहद दुखी थी कि उसकी शादी को समाज से छिपाया जा रहा था। जब उसने यही सवाल अमन से किया तो अमन ने उस पर हाथ उठाया और उसके साथ मारपीट की। और हमें ये भी पता चला है कि जब अमन की बीवी ने उससे डिवोर्स मांगा तो वो उस पर भी राजी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अमन को इस बात का डर था कि अगर उसे वो डिवोर्स देना पड़ा तो उसकी बीवी को उसके परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी का हिस्सा या फिर गुजारे में एक बड़ी रकम देनी पड़ जाएगी। अमन इस बात से भी बहुत गुस्सा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ वाज शॉक एंड हेमरेज ड्यू टू एमआई एंड लेफ्ट लंग इंजरी, जबकि जांचकर्ताओं ने अपनी जांच में मौत की वजह कुछ और पाई। अमन ने वाइफ की हत्या को कैसे अंजाम दिया, ये पता करने के लिए जांचकर्ताओं ने मर्डर केस की हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया। और फिर जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह की थी। अमन ने इस मर्डर को अंजाम देने के लिए सबसे पहले अपनी बीवी का भरोसा जीता, उसके साथ नॉर्मल बिहेव किया, फिर उसने अपने ससुराल वालों के साथ एक हंसी खुशी का माहौल क्रिएट किया। जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा तब जाकर उसने इस मर्डर को अंजाम दिया है। अमन ने अपनी वाइफ के साथ घूमने का प्लान बनाया, डेट भी डिसाइड हो चुकी थी और सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। और वो स्विफ्ट डिजायर कार जिसे अमन ने हत्या में इस्तेमाल किया, वो कार अमन ने अपने किसी परिचित से मांगी थी, जबकि उसके पास कई महंगी गाड़ियां थी। अमन पत्नी को लेकर सुबह करीब 8 बजे लखनऊ से निकला और 11 बजे वो गाड़ी चलाता हुआ कानपुर देहात इलाके में पहुंच चुका था। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था। कॉल डिटेल के मुताबिक बीच सफर में करीब 11:30 बजे अमन ने अपनी पत्नी के भाई को फोन किया। फोन पर ये जताया कि सब ठीक है। यस भैया, वी आर फाइन। अरे हाँ भैया, कोई परेशानी क्यों होगी, ये है ना साथ में। ओके भैया, सी यू सून, बाय। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद अमन ने अचानक अपना तेवर बदल लिया। उसने सुनसान सड़क पर कार खड़ी की और पत्नी को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। अमन यही नहीं थमा, उसने रस्सी नुमा किसी चीज से पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। अमन ने पत्नी की हत्या के बाद इसे हादसे की शक्ल देने की पूरी कोशिश की। उसने रोड एक्सीडेंट का ड्रामा रचा। अमन ने हाईवे पर दौड़ती कार में जोरदार ब्रेक मारा और कार को बगल के खेत में घुसा दिया। इससे पहले कि मौके पर पुलिस पहुंचती, अमन पत्नी के शव को पास के अस्पताल में ले गया। इस बीच उसने खुद पत्नी के भाई और उसकी मां को फोन किया और ये खबर दी कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। अमन के रोड एक्सीडेंट के पेच में पुलिस भी उलझ गई थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जांच में कथित कार एक्सीडेंट की कहानी झूठी निकली। जिसे आम आदमी देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसे फॉरेंसिक साइंस देखती है। यही वजह है कि साजिश कैसी भी हो आखिरकार उससे पर्दा उठ ही जाता है।